बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। वीडियो निकलती है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। गाइस, वीडियो है एक छोटी सी बच्चे की जिसकी उम्र मुश्किल से 6-7 साल होगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। और ऐसी वीडियो है कि जिसको जितनी दफा देखे मेरा तो मन ही नहीं भरता। हाँ। कितनी इसके अंदर पॉजिटिविटी है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एक पीएम और एक आम बच्चों के दरमियान, कि वो हर चीज के लिए जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से कहता है। अब मैं उसी की मिसाल भारत के साथ देखूंगा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द लीडरशिप ऑफ मोदी। मैं कहूंगा पाकिस्तानी पब्लिक से कि नरेंद्र मोदी एक बच्ची की आवाज़ सुनकर इतना सब कुछ कर सकता है, तो पाकिस्तान की ये हालात देखकर अगर हमारे रिलेशन अच्छे होते तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट हमारी हेल्प ना करती। इसलिए सोचते हैं मोदी को मैं क्रेडिट देता हूं, आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोदी साहब की अचीवमेंट में से सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने नेशनलिज्म को, उन्होंने उसको नेशनलिज्म को हैज टेकन टू द नेक्स्ट लेवल, आइदर यूथ लिविंग इन इंडिया और आइदर इंडियन डायस्पोरा लिविंग अब्रॉड। देखिए ना कितना बड़ा मैसेज दिया कि एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी जी के लिए मैसेज ये है कि देखिए आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आपने देखिए एक बच्ची के कहने पे मैंने उनके लिए स्केच बनाया, तो मोदी जी बोल रहे थे कि आप हाथ नीचे कर लीजिए, मैंने आपका स्केच देख लिया है, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चलते भाषण में कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां जब प्राइम मिनिस्टर मोदी भाषण दे रहे थे, उसी दौरान भीड़ में एक बच्ची ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्केच हाथों में लेकर ऊपर उठाया। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की नजर स्केच लेकर उस खड़ी बच्ची पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत कहा, बेटी मैंने तुम्हारी यह तस्वीर देख ली है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बच्ची से कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। यह पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं कि तस्वीर बेटी देना चाहती है तो ले लीजिए और ये मुझ तक पहुंच जाएगी। बेटी अपना पता उस पर लिख देना, मैं तुम्हें जरूर चिट्ठी लिखूंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब यह बात कही तो बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रतिक्रिया के बाद बच्ची बेहद खुश दिखी। प्राइम मिनिस्टर मोदी का नन्ही बच्ची के प्रति ऐसा प्यार देख लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हूँ तो ले लीजिए और मैं मुझे जरूर पहुंच जाएगी। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। उनकी पोजीशनिंग है, उनकी पर कैपिटा इनकम है भारतीय डायस्पोरा की यहाँ पे, और वो टोटल सारा जो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोदी साहब की अचीवमेंट में से सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने नेशनलिज्म को, उन्होंने उसको नेशनलिज्म को हैज टेकन टू द नेक्स्ट लेवल, आइदर यूथ लिविंग इन इंडिया और आइदर इंडियन डायस्पोरा लिविंग अब्रॉड। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल लेता हूं। एक क्वेश्चन दिया गया, यहां पे मैं कई दफा बात करता रहता हूं लोगों से, टैक्स पेयर्स के साथ। लोगों को अमेरिका के अंदर अब टैक्स देने से तकलीफ होती है क्योंकि उनको नजर आता है हमारा टैक्स किसी अच्छी जगह पे नहीं जाता, उसका मसरफ जो है वो ठीक नहीं है, करप्शन। लेकिन जब मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोगों को देखता हूं तो वो कहते हैं कि हम टैक्स दे के खुश होते हैं क्योंकि हमें पता लगता है कि टैक्स अच्छी जगह पे जा रहा है। अब मैं उसी की मिसाल भारत के साथ देखूंगा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द लीडरशिप ऑफ मोदी। दैट्स व्हाट दैट इज नंबर वन थिंग। और फिर उसका मुजाहरा जो है वो इकट्ठे होकर करते हैं यहाँ पे, वो जो सीईओज के साथ उनकी मुलाकात हुई उसमें से मेजोरिटी को भी भारतीय नहीं जानते। अब उसके बाद जो इस वक्त मैं जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप कह रहे थे कि डिविडेंड, बाकी डिविडेंड तो उसके शुरू होंगे। मोदी जी का पहली मीटिंग जब उनकी शुरू हुई न्यूयॉर्क से, जो पहला वॉशिंगटन डीसी में आए थे, तो वो इट वॉज रिलेटेड टू द लेबर और रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, और एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की थी कि विल बिल्ड द पाइपलाइन ऑफ इंटेलेक्ट। हम अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है,
तो हम दोनों चीजों को जब इकट्ठा करेंगे दैट इज व्हाट आवर पार्टनरशिप इज अबाउट, और उसी की आप बात कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न है कि अगर कल को ताइवान के अंदर अमेरिका जो है इंटरफेयर करता है, वहां पे जंग शुरू होती है, तो सेमीकंडक्टर का इशू बनेगा पूरी दुनिया के अंदर। उसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा, वो सारे का सारा वो भारत के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहिए। और उसके बाद आपने जिस तरह बात की है कि नेवल की, आप मुझे ये बताएं पूरी दुनिया में सिर्फ चार जगह ऐसी हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की सलाहियत है, और मेरा ख्याल उनमें अब भारत भी शामिल होने वाला है। दूसरी एक बात मैं जो है एक नया एंगल आपको यहां बताना चाहता हूं, एक नई चीज शुरू हुई है, वो ये है कि भारत ने बहुत ज्यादा अपने डिप्लोमेटिक मिशंस नई एम्बेसियां खोली हैं, लेकिन आप ये सोचें वो कहाँ हैं, वो तो सारी अफ्रीका। एक बच्चे की वो माँ पर बात सुनी जा रही है, तो यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो सर अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं मेरे ख्याल में, सारे कोई अपने चक्कर में ही पड़ा हुए। तो क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर अगर इसी तरह रहे तो कैसे हिला दूंगे? बस पाकिस्तान का जो नक्शा है मेरे ख्याल में खत्म हो जाएगा। तो दोबारा से एक सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा, इंडिया की मैं बात करूँ तो वो अपने सारे पड़ोसियों के साथ मिलकर काम करता है, और अगर बांग्लादेश के तलुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं, बांग्लादेश की अगर इकोनॉमी देखें कहाँ पर है, अगर अफगानिस्तान की बात करेंगे, अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ने अपने बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हर चीज़ भूलकर, मुसलमान तो बांग्लादेश के अंदर भी है, वो क्यों नहीं कश्मीर की बात करके उनके साथ जिद्दबाजियाँ लगाकर बैठ जाते? हम क्यों नहीं अपनी बातों को आगे बढ़ा पाते, रिलेशन को अच्छी तरह ठीक क्यों नहीं कर लेते हम? जानने चाहिए करने चाहिए। और जहाँ तक आपने कश्मीर की बात की है, मैं खुद कश्मीर से हूँ, तो कश्मीर के मसले पे जो पाकिस्तान है, ख़ासकर पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा ढीला है, क्योंकि पाकिस्तान के जो कह रहे हैं उस स्वाब राय से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान ने उस वक्त तक तब ये काम कोई नहीं किया जब इंडिया के मकबूजा कश्मीर के अंदर में, मकबूजा तो नहीं है, जो इंडिया के कब्ज़े में है उसके अंदर जब 10% जो हिंदू थे तब वो थे, अब तो उनने अपने आइन की पमाली कर ली है, उसमें तकरीबन 47% हिंदू आ गए, तो अब क्या ये उस स्वाब राय करवाएंगे? तो ये कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर हमारी शहर आ गया, तो ना मैं उसको आज़ाद कश्मीर समझता हूँ कि वो आज़ाद कश्मीर है जहाँ पर हम रहते हैं, वो पाकिस्तान के कब्ज़े में और दूसरा इंडिया के कब्ज़े में है। फिर इनके कुछ हालात, मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो कश्मीर के साथ अच्छा सलूक कर रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, क्योंकि वो पेट्रोल 47 या 52 ले रहे हैं और हम यहाँ पे 282 ले रहे हैं, और हम उनसे गालियाँ नहीं खाना चाहेंगे यहाँ पे। ज़बरदस्त गाइस, ये कश्मीरी की स्टेटमेंट थी अब लोग के सामने है, तो मुझे पता नहीं था कि आप कश्मीरी हो। कश्मीर कौन सी जगह से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट बाग से हूँ। अच्छा, बाग से हैं। मैं खुद कश्मीर विजिट करके आया हूँ, LOC पॉइंट तक गया हूँ, उससे आगे शारदा तक गया हूँ, मैं शारदा से आगे केल भी गया हूँ, केल भी विजिट करके आया हूँ। अभी सारी कवरेज की है, मैं आपको चैनल भी बताऊँगा, आप विजिट कर लेना। लेकिन कश्मीरी लोग चाहते क्या हैं, बेसिकली कश्मीरी लोगों का मुकफ़ क्या है? अगर मैं बात करूँ इंडिया के कश्मीर की, जहाँ पर जिसे हम श्रीनगर कहते हैं, श्रीनगर के अंदर जो कि दुबई की कंपनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रही है, क्या लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट आप लोगों को वो फैसिलिटीज दे रही जो देनी चाहिए? यार वो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमारे पास रेलवे स्टेशन तक नहीं दिया, हमारे पास रेल तक नहीं जाती, हमारे पास जो एयरपोर्ट है वो भी हमारे पास नहीं है, कश्मीर का अपना